तो आज हम बात करेंगे लॉग या लॉगरिदम्स की। अब होते क्या हैं ये अभी आप देखेंगे। देखो लॉग का मैं आपको बता दूं, लॉग का एक्चुअली यूज करना शुरू किया गया कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को करने के लिए, उनको इजी बनाने के लिए। लेकिन हुआ क्या, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके पास कैलकुलेटर्स आ गए, कंप्यूटर्स आ गए, तो वो जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस जो पहले हाथ से करनी पड़ती थी, जिनको सिंप्लीफाई करने के लिए लॉग बनाए गए, अब एक्चुअली में लॉग की जरूरत नहीं होती जनरली, क्योंकि आपके पास ये सब चीजें करने के लिए कैलकुलेटर्स हैं या आपके पास कंप्यूटर्स हैं, जो कि बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन यू नो ऑल हाउ क्विकली दे कैन सॉल्व। लेकिन अभी भी क्या होगा कि बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आपका लॉग यूज होता है, उन फॉर्मूलाज में ऑलरेडी लगा होता है, ठीक है, तो उनको लॉग की हेल्प से सॉल्व कर पाते हैं हम लोग, तो इसीलिए ये पढ़ना जरूरी है। मैं आपको बता दूं, आईसीएसई वालों ने क्लास 9th में ये पढ़ा होता है, तो इसलिए उनके लिए कोई बहुत नई सी चीज नहीं होती, लेकिन जो सीबीएसई वाले हैं उनको, उनके लिए थोड़ा सा नया चीज होती है। ऑल दो है बिल्कुल आसान, बेसिकली आप ये समझ लें जो एक्सपोनेंट्स जो आपने पढ़ा है ना, बिल्कुल वही चीज है, और इनफैक्ट सारे के सारे फॉर्मूला जो है वो आप एक्सपोनेंट के बेसिस पे प्रूव भी कर सकते हैं, जो हम इसमें यूज करेंगे बाद में, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, नई चीज है, बहुत आसान है। अब आप देखेंगे कि कितनी आसानी से आप उसको कर पाएंगे, तो शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं बहुत सिंपल सा एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेता हूँ कि देखिए, लेट्स से कि 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8, है ना, ये तो आपको पता है, ये तो होता ही होता है ना। तो अब अगर इसको लॉग फॉर्म में लिखना है तो हम क्या कहते हैं कि भाई इसको हम लिखेंगे लॉग ऑफ 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3। अब आप जरा ध्यान से देखेंगे ये कैलकुलेशन क्या चल रही है, 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8। तो हुआ क्या, इस चीज को लिखा थोड़ा सा नीचे, इसको बोलते हैं बेस, ये जो 8 है इसको बोलते हैं नंबर जिसका कि हमने लॉग लिया, ठीक है ना, ये नंबर हो गया और ये इसकी वैल्यू हो गई। तो अब आप कैलकुलेशन देख लो, 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8, यही चीज लिखी हुई है, तो उसको लिखने का, इस एक्सपोनेंट को लिखने का एक डिफरेंट तरीका हो गया, आप ऐसे समझ ले, तो ये इसको बोलेंगे लॉग। और एग्जांपल देख लेते हैं, मान लीजिए 3 to the power 4 इज 81, राइट, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, अब आप खुद ही सोच जाएंगे, लॉग ऑफ 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4, ऐसे हम लिखेंगे। फिर से आप देख सकते हैं 3 to the power 4 इज इक्वल टू 81, ये हमारा तरीका है लिखने का। तो आप मुझे बताएं ये इतना ही चीज आपको समझ में आई कि नहीं है। सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो मैथ्स में तो आएगा ही, इसका पार्ट में आएगा, लेकिन आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी बहुत सारे फॉर्मूलाज में इसका यूज हो रहा होगा, तो वहां पे आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए भाई ये क्या है। ऐसा नहीं है कि इसकी बहुत ज्यादा कुछ करने वाले हैं इसके अंदर, इस पे क्वेश्चंस भी काफी लिमिटेड आते हैं, किसी समय आते थे कॉम्पिटिशन्स में भी, अभी तो बहुत कम आते हैं, बहुत रेयर आते हैं, पर एट द सेम टाइम हमें ये पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में बहुत यूज होगा। और इनफैक्ट जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे क्लास 12th में और 11th के शुरू में एंड में भी, तो वहां पे भी इसका बहुत यूज हो रहा होगा, ठीक है, तो वहां पे आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए भाई ये क्या चीज है, इसलिए हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी हम बहुत सिंपल पार्ट करेंगे इसका, ठीक है, सो दैट जस्ट यू हैव द नॉलेज ऑफ दिस थिंग। ऑलराइट, और देखें तो मान लीजिए अगर मैं लिखूं 7 to the power 0 इज इक्वल टू 1, ये तो सबको पता है आपको, तो इसका मतलब क्या होगा, लॉग ऑफ 1 टू द बेस 7 इज इक्वल टू 0, तो फिर से आप देख सकते हो 7 to the power 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है जी, यही आ गया। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि किसी भी
नंबर की पावर अगर मैं लिखूं तो वो क्या होगा, वो तो हमेशा ही जी वन आएगा। फॉर एग्जाम्पल में 8 to the power 0 वो भी वन होता है, तो हम क्या करेंगे log of 1 to the base 8 is equal to 0। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि log of 1 हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, तो log of 1 अगर मैं बेस नहीं भी लिखूं यहाँ पे तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये हमेशा जो है वो 0 होगा। अब ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि भाई अच्छा log of 1 जो है वो 0 होगा हमेशा। अच्छा, अब अगर मैं थोड़ा सा इसको जनरलाइज्ड करने की कोशिश करूं तो क्या होगा, देखिए 8 to the power n इज इक्वल टू बी होता है। ठीक है, अब आप ये देखो, अब a जो है a को हम कैसे लिखेंगे, a इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर और एक्सेप्ट वन। ठीक है, अब एक्सेप्ट वन क्यों किया भाई, एक्सेप्ट वन इसलिए किया क्योंकि अब वन की को कोई भी पावर देते रहो तो क्या होगा, वो हमेशा वन ही दे रहा है। तो इसलिए कहा भाई अब उसको ऐसी चीज तो नहीं चाहिए ना, हमें सेम ही चीज बार बार क्यों चाहिए, तो हमने कहा भाई इस एक वन को हटा दो इसमें से। तो हमने क्या किया, लॉग ऑफ इसको जो है एक्सेप्ट वन कर देंगे। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये तो आपको 9th class से पता है ना। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और जब हमें इसका लॉग लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, लॉग ऑफ बी टू द बेस ए इज इक्वल टू एन। ठीक है, अच्छा अब देखो a टू द पावर n इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, अब a टू द पावर n ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर हो क्योंकि a हम पॉजिटिव रियल नंबर ले रहे हैं ऑलरेडी, भाई हमने a पॉजिटिव रियल नंबर लिया तो a टू द पावर n भी पॉजिटिव रियल नंबर ही होगी। और अगर ये पॉजिटिव रियल नंबर होगी इसका मतलब क्या होगा, b इज ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, तो b भी हमारा ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगा। तो अब हम ये कहते हैं, तो अब ये आप नोट करो कि log of only positive real numbers are defined। ठीक है, तो ये जो आपका नंबर हुआ, ये जो b है वो हमेशा रियल पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, और जो बेस है तो बेस जो है बेस भी ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर। और वहां पे तो एक और कंडीशन है, एक्सेप्ट वन। अब हम जब लॉग को डिफाइन करेंगे तो ये चीज हमने पहले ही फिक्स कर दी कि भाई हमारा जो जिस नंबर का हम लॉग की बात करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, और जो बेस हम यूज करेंगे वो हमेशा वो भी हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, लेकिन वो वन नहीं होना चाहिए। और वन ना होने का रीजन मैंने आपको बता दिया कि भाई जब वन की पावर कर रहे होगे तो हर बार एक ही आंसर आ रहा होगा, हम उस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है, एक ही आंसर हमको नहीं चाहिए, तो वी वॉन्ट डिफरेंट आंसर्स। तो हमने कहा कि भाई डीगेस वन को भी हटाया जाए। अब बताइए यहां तक चीजें समझ में आई, तो सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जिस भी नंबर का लॉग लेंगे वो पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, ऐसे ही उसका बेस भी पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, पर वो वन और उसमें से एक्सेप्ट करना है हमें, एक्सेप्शन है वन, वन नहीं,
होना चाहिए, ये चीज हमें बस याद रखनी है, इतना सा। तो अगर अब हमें ये याद है तो अब हमें एक चीज याद, और फिर ये भी याद हो जानी चाहिए कि वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया तो उसको आप अलग से नोट भी कर सकते हो, लॉग ऑफ वन टू एनी बेस इज जीरो, राइट। अच्छा, फिर लॉग ऑफ ए टू द बेस ए हमेशा क्या होगा, वन होगा। क्यों? क्योंकि भाई ए टू द पावर वन इज ए, राइट, है ना, ए टू द पावर वन इज ऑलवेज ए। तो इसका मतलब अगर नंबर और बेस सेम है तो आपका आंसर हमेशा वन आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर लॉग ऑफ टू बेस टू हो तो उसका आंसर वन आएगा, लॉग ऑफ फाइव बेस फाइव हो तो भी आंसर वन, लॉग ऑफ थ्री टू द बेस थ्री हमेशा आंसर वन आएगा। वो आप एक्सपोनेंट फॉर्म से भी देख सकते हैं, बाकी अब आपके दिमाग में फिट भी हो जाना चाहिए कि अगर नंबर और बेस सेम है तो उनका लॉग का आंसर हमेशा वन होगा। और देखा जाए, इफ लॉग ऑफ एक्स, अब नंबर बेस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई बेस ए ऐसा मिले तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। क्यों होगा भाई? आप मान लो कि इस चीज को मैं थोड़ी देर के लिए एन मान लू, है ना, तो इसको मान लू एन, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको और इसको लू तो ए टू द पावर एन इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और फिर मैं अगर इसको और इसको ले लू तो वहां से भी मिल जाएगा ए टू द पावर एन इज इक्वल टू वाई। तो ये दोनों क्लियरली ये कह रहे हैं कि भैया एक्स इज इक्वल टू वाई। तो अब आपको इसी को याद रखना है कि अगर दो लॉग हैं, दो नंबर्स के लॉग हैं और उनके बेस सेम हैं, और अगर वो इक्वल हैं तो इसका मतलब वो नंबर्स सेम रहे होंगे। ऐसा कंपैरिजन कभी करने की जरूरत पड़े तो आपको ये बात याद रहनी चाहिए, इसको आप नोट कर माधव। ओके, अच्छा अब जरा अगर ये देखें कि टू, चलो थ्री टू द पावर माइनस टू तो क्या होता है, वन ओवर नाइन, है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, लॉग ऑफ वन ओवर नाइन टू द बेस थ्री इज इक्वल टू माइनस टू, ऐसा होगा, है ना। ये देखो ये हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट तो काम कर ही नहीं ना, वहीं से तो लॉग हमने दिया। तो अब देखो ये बात क्लियर हुई कि नहीं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए लॉग से आंसर नेगेटिव आ सकता है लेकिन ये नंबर पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए जो कि 1 बाई 9 है, और यहां पे बेस भी पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए एक्सेप्ट 1, 1 नहीं होना चाहिए, बस ये आपको याद रखना है ना। ओके, एक चीज और नोट कर लें, बेस 10 is called common base। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कभी हम log लिख रहे हो लेकिन वहां पे base हम ना लिखें तो उसका मतलब यह होगा कि अगर तो वहां पे base जो है आपको 10 एज्यूम करना होगा। अगर बेस नहीं लिखा, दोबारा याद समझ लो, अगर कहीं हम लॉग कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया लॉग ऑफ पी, ठीक है, ऐसे लिख दिया, अब मैंने बेस नहीं लिखा, इसका मतलब ऑटोमेटिकली यही होगा कि भाई अगर मैंने बेस नहीं लिखा तो इसका मतलब यह है कि इसका जो बेस है वो 10 होगा। अब ये याद रखिएगा, कभी हम वही बात है ना, हमारी कोशिश करते कम से कम मेहनत की जाए, तो हमने ये भी मान लिया कि अगर हमने बेस नहीं लिखा तो इसका मतलब उसका बेस जो है वो कॉमन बेस होगा और वो होगा 10 होगा हमेशा। तो नहीं लिखा लॉग का बेस तो आप मान लीजिएगा कि भाई ये 10 बेस पे काम चल रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए, कन्वर्ट इनटू लॉग फॉर्म, तो आप क्या लिखेंगे इसको? बड़ा सिंपल है जी,
हमारे को तो एक ही चीज पता है यहाँ पे जो है उसको लॉग लिख लो, लॉग ऑफ एक्स, ये हो गया हमारा बेस और ये इसका आंसर हो गया माइनस। ओके बेस हमारा 3 होगा, मैंने गलती कर दी जल्दी जल्दी में, ये बेस हमारा 3 होगा, लॉग ऑफ एक्स बेस 3 इज इक्वल टू -5। क्यों? क्योंकि अब हम देख सकते हैं, ये देखिए ये हो रहा है। तो फिर फटाफट से जरा मुझे ये बताओ, लॉग ऑफ 10, नहीं चलो इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ। आपको बताया था कि जब नंबर और बेस सेम होता है तो आंसर हमेशा 1 होता है, तो इसका आंसर हमेशा 1 होगा, नंबर और बेस सेम है। ठीक है भाई चलो। ओके अब मैंने एक और सिंपल सा क्वेश्चन कन्वर्ट इंटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, देखो कितना चन। तो लॉग ऑफ 32 बेस 8 इज इक्वल टू 5/3, फटाफट लिख डालो, पता ही है क्या लिखोगे, है ना। हाँ करना है, ये तो हमको बहुत ही सिंपल बिल्कुल पता है, 8^5/3 इज इक्वल टू 32। वैसे कैसे होता है 32 याद है? 8th क्लास में करा होगा शायद या 9th में, है ना, बताओ जल्दी से। इसको लिखा 2^3, ऊपर लिखा है 5/3, 3 से 3 कैंसिल, 2^5 आंसर आ गया 32, ना मतलब 8th 9th का सा चीज है, पर फिर भी याद दिला दी आपको, क्या बात है। बताइए लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2 क्या आंसर होगा, बताया जाए जल्दी से। करना क्या है भाई, उसको उठा के एक्स मान लो, एक्स मान लिया तो 2^x इज इक्वल टू 16। अब हमें निकालना है एक्स की वैल्यू, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2^4। फिर से 9th में पढ़ा था हमने, अगर बेस सेम है और इक्वालिटी साइन है तो इसका मतलब पावर सेम रही होंगी, कितना आसान है देखो। जाए फिर लॉग ऑफ 1/3 टू द बेस 3, पढ़ते ऐसे ही है ना, पहले नंबर पढ़ते हैं, लॉग ऑफ 1/3 टू द बेस 3 इज व्हाट, ये हमको बताना है। भाई हमने फिर से क्या करना है, इसको हमने एक्स मान लेना है, और जैसे ही हमने इसको एक्स माना, हम अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को चालू करो घुमाना, तो 3^x इज इक्वल टू 1/3। अब ये क्या हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 3^-1, यानी कि x इज इक्वल टू -1, ये हमारा आंसर। लॉग ऑफ 8^√2 इज इक्वल टू x, तो x क्या है, मैथमेटिक्स में हम बचपन से एक्स ही ढूंढ रहे होते हैं, पता नहीं यार कैसा मैथमेटिक्स है ना, बचपन से ही एक्स वाई जेड ही ढूंढ रहे होते हैं, और मोस्टली एक्स ही ढूंढ रहे होते हैं, मिलता फिर भी नहीं हमको ये। बड़ा सिंपल है, √2 इज इक्वल टू 8, सो √2 इज इक्वल टू 8, तो अब क्या करें, तो हमें काम कर सकते हैं भाई, 2^x/2 तो लिख ही सकते हैं इसको, और 2 8 को लिख सकते हैं 2^3, तो यानी कि x/2 हो गया 3, यानी कि x हो गया 6। लॉग ऑफ 0.008 टू द बेस 5 इज इक्वल टू x, तो फिर से बताओ x, ढूंढो x को ढूंढो। तो ये हमको दिया गया, तो हम क्या करें भाई,
हमारा काम एक ही है, हम तो ऐसे ही करेंगे। 5 to the power x इज इक्वल टू 0.008। तो गड़बड़ हो गई, इसको कैसे लिखा जाए? तो 5 to the power, क्योंकि हमें पावर तो 5 की ही बनानी पड़ेगी, और तो कोई तरीका है नहीं, है ना, क्योंकि तभी हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो हम एक काम करते हैं ना, बचपन वाला तरीका, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते थे? 5th 6th में शायद ऐसे इसको पढ़ते थे, ठीक है ना। फिर इसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो ये 125 आ जाता है। अब 5 to the power x इज इक्वल टू, और 1/125 को देखो, 9th क्लास वाला, अब -3 लिख सकते हैं, तो x इज इक्वल टू -3 आ गया। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि जैसे जैसे बहुत पुरानी छोटी क्लास का जाता है, ऐसे ऐसे हम परेशान हो जाते हैं, जो कि हमें नहीं होना चाहिए। अब आपको, कई लोगों को लग रहा होगा, ओहो हमें ये क्यों नहीं आया। ठीक है जी, log ऑफ x बेस 2 इज 5। तो जल्दी से बताओ अब x क्या है? ये तो बहुत आसान है। टू टू दी पावर 5 इज इक्वल टू x। ये था काम, यानी कि 32 इज इक्वल टू x। अब log ऑफ x टू द बेस 64 इज इक्वल टू 2/3। तो अब बताया जाए x क्या है? करना है ये, इसकी पावर और आंसर ये। तो 64 to the power 2/3 इज इक्वल टू x। अब 64 होता है 4 की पावर 3, उसके खोपड़ी में लगी हुई 2/3 मल्टीप्लाई होती है, पावर की पावर कैंसिल हुई, यानी कि 4 to the power 2 इज इक्वल टू x, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता है 16 होता है। x बेस में आ गया, तो log of 243 बेस x इज इक्वल टू -5। सो व्हाट इज x? बताया जाए तो क्या क्या करना है? एरो घुमाओ, आंसर पाओ। तो x to the power -5 इज इक्वल टू 243। ऑल राइट, तो x to the power -5 इज इक्वल टू, पहले तो 243 होता है 3 to the power 5। अब चक्कर क्या है कि अगर ऊपर माइनस फाइव नहीं दिखे तो फिर हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम हमारी पावर सेम होंगी तभी तो हम बेस को सेम कर पाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको ऐसा लिख देते हैं। अब हमारी पावर ऊपर भी पॉजिटिव हो गई और यहाँ भी पॉजिटिव है ही ऑलरेडी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब बेस जो है वो सेम है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1/3 है। राइट, नाउ दिस इज द सिचुएशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? यानी कि आपको चाहिए x की वैल्यू, सोचिए। चलिए जी, फिर से एरो घुमाते हैं, आंसर लाते हैं। तो 9 to the power 2x + 3 इज इक्वल टू 27। अब भाई 27 होता है 3 to the power 3। अब यहां पे भी 3 की पावर बना लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? 3 to the power 2 into 2x + 3, पावर टू दी पावर, है ना। ये तो 9th का कॉन्सेप्ट है ज्यादा। अब बेस सेम हो गए, इक्वलिटी हो गई, इसका मतलब पावर सेम हो जाएंगे, यानी कि 2 into 2x + 3 इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व कर ले जाए तो 4x + 6 इज इक्वल टू 3, 4x इज इक्वल टू -3, सो x इज इक्वल टू -3/4। ये हमारा आंसर। आप बताइए x, ये सब बता सकते हैं आप लोग बड़े आराम से, जल्दी से बताओ। एरो घुमाओ, आंसर पाओ। तो x to the power 3/2 इज इक्वल टू 64। ये बन गया हमारे पास। तो फिर क्या किया जाए? अब इसको कैसे सॉल्व करें भाई? किसी चीज की पावर 3/2 लाया जाए, है ना। तो क्या कर सकते हैं, या फिर हम एक काम करें, अगर मैं दोनों तरफ पावर
2/3 कर दूं तो काम बन जाएगा मेरा, ऐसा भी तो मैं सोच सकता हूं, ऐसा भी सोच सकता हूं, है ना। दोनों तरफ 2/3 कर दी तो क्या हो गया, ये तो एक्स हो गया, क्योंकि 3/2 इंटू 2/3 वन हो गया, एक्स की पावर वन हो गई। अब 64 में 4 की पावर 3 इंटू 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू 4 टू द पावर 2, एक्स इज इक्वल टू 16। बहुत सुंदर, बताइए जाए फिर से एक्स की वैल्यू लॉग ऑफ 3x-2 इक्वल टू 2, बताइए जी क्या आंसर आएगा एक्स का। तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, मैं उनको बता दूं कि अगर बेस नहीं लिखा हो तो मैंने आपको बोला था बेस होता है 10। अब आप फटाफट आंसर देंगे मुझे, आई एम श्योर, बताइए। तो मैंने आपको बताया अगर कुछ नहीं बेस तो बेस 10 है, फिर से एरो घुमाओ आंसर पाओ, तो बन गया 10^2 इज इक्वल टू 3x-2। 100 इज इक्वल टू 3x-2, सॉल्व करोगे 34 आ जाएगा, ये तो सॉल्व कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बता दीजिए ये वाला आंसर, टू टू द पावर 5 इज इक्वल टू x²-4, 32 इज इक्वल टू x²-4, यानी कि x² हो गया 36, यानी कि x हो गया +-6। अब x क्योंकि +-6 है तो आपके आंसर, अब देखो अब थोड़ा पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो भी हमारा आंसर आया उसको हम अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में रख के चेक करें, ऐसा ना हो जाए कि ये चीज नंबर जो है हमारा नेगेटिव हो जाए, अगर वो हो रहा है तो फिर आपको वो वाला आंसर रिजेक्ट करना पड़े। तो एक्स इज इक्वल टू 6 रखने से भी 36-4 जो है 32 होता है, और एक्स इज इक्वल टू -6 रखने से भी 32 ही आएगा, तो दोनों आंसर, तो इससे x²-4 जो है पॉजिटिव ही रहता है, इसीलिए आपको दोनों आंसर देने पड़ेंगे, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। क्या दिया है कि इफ लॉग ऑफ एक्स बेस 10 इज इक्वल टू ए, सो यू हैव टू राइट 10^(a-1) इन टर्म्स ऑफ एक्स। जल्दी से बताओ क्या होगा। तो जी करना क्या है, पहले तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया, एरो घुमाओ आंसर पाओ, 10^(a) इज इक्वल टू एक्स, तो ये हो गया जी, हमको ये मिल गया एक्स है 10^(a), लेकिन मुझे 10^(a-1) लिखना है, तो 10^(a-1) को मैं कैसे लिखता हूँ, 10^(a) इंटू 10^(-1), तो 10^(a) ओवर 10 लिख दिया, तो अब 10^(a) है एक्स, यानी कि x/10 आंसर। इफ लॉग ऑफ वाई बेस 10 इज इक्वल टू बी, देन यू राइट 10^(2b) इन टर्म्स ऑफ वाई, कैन यू प्लीज डू इट। हाँ भाई, एरो घुमाओ आंसर पाओ, तो इसका मतलब ये हो गया कि 10^(b) इज वाई, कमाल हो गया। अब ये 10^(2b) है, मेरा मन इसको लिख रहा है, पता है मैं ऐसे लिख दूं जल्दी से करके, ऐसे लिख दूं, मतलब क्योंकि तो पावर टू पावर मल्टीप्लाई होती है, और 10^(b) है, बी है वाई, तो खोपड़ी पे लग गया स्क्वायर, आंसर ये रहा। अब देखिए ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, ये कह रहा है लॉग ऑफ एम इंटू एन टू द बेस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम टू द बेस ए प्लस लॉग ऑफ एन टू द बेस ए, यानी कि अब जरा ध्यान दिया जाए क्या हुआ क्या है कि ये लॉग के अंदर ये जो जो चीजें दोनों चीजें मल्टीप्लिकेशन में थी ये यहाँ पे प्लस में आ गई, ठीक। तो और ऐसे ही अगर मैं बहुत सारे ले लूं MNPQ तो भी आंसर ऐसे ही आएगा, तो लॉग ऑफ एम बेस ए प्लस
log of n base b plus log of p base a plus log of q base a, ठीक है। या आप उल्टा समझो तो अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है तो वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, एक ही बात है, ठीक है। ये सब हम प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट्स, और इनफैक्ट आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप ट्राई करके देखें कि क्या ये आप कर सकते हैं क्या, ठीक है। ट्राई टू फाइंड और टू अराइव एट दीज फॉर्मूलाज विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट, लेट्स सी इफ यू कैन डू इट। अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अभी क्योंकि एंड हो रहा है एंड आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज, सो प्लीज डू दैट। अब जो यहां पे मल्टीप्लीकेशन में हुआ वो ही चीज डिवीजन में होगी, तो अगर मल्टीप्लीकेशन में प्लस हुआ तो डिवीजन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो log of m over n to the base a is equal to log of m base a minus log of n base a, ठीक है। तो डिवीजन से सब्ट्रैक्शन में चला गया, मल्टीप्लीकेशन से एडिशन में चला गया, और अब यहीं से ही आप अगर एक इन्फ्रेंस और निकाल सकते हो कि log of m to the power अगर n हो तो ये क्या बन जाएगा, पावर बाहर आ जाएगी और ये बन जाएगा log of m base a। अब ऐसा क्यों हुआ भाई, तो आप इस फॉर्मूले में देखो ना, अगर m और n एक ही होता, ठीक है, अगर m और n एक ही होता तो यहां पे क्या हो रहा होता, यहां पर m स्क्वायर लिखा होता सर, ठीक है। अब जब m स्क्वायर लिखा होता तो यहां पे भी log ऑफ m होता और यहां पे भी log ऑफ m होता, और जब log ऑफ m प्लस log ऑफ m टू log ऑफ m, तो वही हुआ पावर जो थी यहां पे आ गई, तो यही चीज हो रही है। तो अगर नंबर की पावर दे रखी है तो वो मल्टीप्लीकेशन में बाहर आ जाती है, बिल्कुल ऐसे ही। अब ये और याद रखना कि अगर बेस की पावर दे रखी हो, ठीक है, m और बेस टू दी पावर n हो, तो बेस वाली पावर डिवीजन में आ जाती है, तो क्या होगा, वन ओवर n और log ऑफ m बेस a, ये आपको याद रखना है। इसी चीज यहीं से ही एक और आपके पास आ जाएगा, अगर log ऑफ a बेस a टू दी पावर x हो तो क्या होता है भाई, पावर जो है बाहर आ जाती है, तो x log a बेस a हो गया, और आपको बताया था क्योंकि बेस और नंबर सेम हो तो आंसर वन आता है, तो इसका आंसर हो गया x, ठीक। और एक और फॉर्मूला जो बहुत यूज होगा वो है ये a टू दी पावर log ऑफ x बेस a, ठीक है, a की पावर में है ये log ऑफ, ये ऐसे समझ लो a की पावर में log ऑफ x बेस a, इसका आंसर होता है x, ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। और बताता हूं आपको कुछ और फॉर्मूला, उसको बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। क्लास का एंड हो रहा है, जानबूझ के ये फॉर्मूलेस बता रहा हूं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, और नेक्स्ट टाइम जब हम क्लास शुरू करें तो ये चीजें आपको याद हो तो हम क्वेश्चंस फटाफट कर पाएंगे। तो मान लीजिए log ऑफ m बेस a है, कुछ ऐसा दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ m ओवर log ऑफ a। अब देखो क्या हुआ, ये बेस को भी log में नंबर में आ गया, लेकिन अब हमें कोई नया बेस इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो मान लेते मैं एक नया बेस दोनों में इंट्रोड्यूस कर दूं, तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया बेस चेंज फॉर्मूला, राइट।
लॉग ऑफ एम बेस ए, तो क्या होगा लॉग ऑफ एम ओवर लॉग ऑफ ए, और बेस कोई नया इंट्रोड्यूस आप कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स देखो ये जो भी फॉर्मूले हो रहे हैं इसमें जो हमने बेसिक बात की थी कि भाई हमारा नंबर जो है पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए और बेस भी पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए एक्सेप्ट वन, वो कंडीशंस अभी भी अप्लाई होंगी। ऐसा नहीं होगा कि वो अरे सर वो तो कंडीशन आई नहीं, वो अभी भी है क्योंकि अगर वो नहीं है तो आप लॉग को डिफाइन ही नहीं कर रहे, ठीक है। वो सब कंडीशंस भी आपको याद रखनी है। बेस चेंज फॉर्मूला से ही हम ये भी डिराइव कर सकते हैं कि अब देखो क्या हुआ, लॉग ऑफ ए बेस बी है तो हम क्या करें वन ओवर लॉग ऑफ बी बेस ए, नंबर और बेस आपस में इंटरचेंज हो गए। देखो जैसे ही वन अपॉन में गया नंबर और बेस आपस में चेंज हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। तो ये बेसिक्स कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखना है। मैंने आपसे ये बोला कि आप लोग इनको एटलीस्ट जो शुरू वाले हैं उनको आप एक्सपोनेंट की तरफ से तरीके से आप उसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखिए। नहीं होगा तो मैं आपको शुरू में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि भाई ये कैसे आए, पर फॉर द टाइम बीइंग आपको ये याद तो फिर भी रखना है क्योंकि आप देखो डिराइव तो वहां करने बैठोगे नहीं, और इनफैक्ट जब आप यूज करोगे तो आपको ये सब याद भी हो जाएंगे। चलिए जी आज के लिए इतना ही, बाय बाय।